देश के सम्मानित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के अनादर को लेकर बुधवार को सांसद विजय बघेल ने दुर्ग कलेक्टर से मुलाकात कर चर्चा की, जिसमें ऐसे महान व्यक्ति की प्रतिमाओं को उचित स्थान देने के साथ ही सौंदर्यकरण को ध्यान में रखते हुए जल्द कार्य किए जाने सुझाव दिए, जिसका पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आप देखे हैं, हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि सभी जो महापुरुषों की प्रतिमा जो बीच रास्ते में लगी है, चौक में लगी है, उसको किनारे में सम्मानित ढंग से सौंदर्यीकरण करके उनके जो ओहदे है उसके अनुसार उनको सम्मान देके उसके प्रतिमा को स्थापित करें। और लगातार हर चौक में देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं कि किनारे में बहुत सौंदर्यीकरण करके बहुत साफ सुथरी जगह में स्पष्ट चारों तरफ से उनकी प्रतिमा दिखे लोगों को, उनका दर्शन कर सके और दर्शन करके उनके आदर्शों पर चलने का एक संकल्प ले सके, उस रूप में स्थापित किया जाता है। लेकिन देश के ऐसे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने अखंड भारत के निर्माण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, प्रधानमंत्री पद को छोड़कर गृह मंत्री का कर्तव्य उन्होंने निभाया और उसके बाद ये देश आज अखंड है, 565 रजवाड़ों को एक कर दिए, वो ऐसे महान व्यक्ति के लौह पुरुष की प्रतिमा को अछूता जगह जहाँ से लोगों को दिखता नहीं है, सिग्नल है वहीं पे, और कहीं पे सौंदर्यीकरण का कोई जगह भी नहीं है, ऐसे जगह में उसको प्रतिस्थापित किया गया है टेम्प्रेरी रूप से। उसको जल्द से जल्द, मैं तो ये सुझाव दिया हूँ कलेक्टर साहब को, किधर आप कलेक्ट्रेट के जो किनारे वाला जो जगह है जहाँ पे वो घड़ी चौक है, घड़ी के सामने चिपका कर और उसको सौंदर्यीकरण करके उसकी गरिमा के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा को स्थापित करें, और इसके लिए उन्होंने सहमति भी दी है। वो भी कह रहे थे कि मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है और जनता देख रही है, लेकिन आज तक ये प्रश्न किसी ने नहीं उठाया। और मैं बहुत सारे लोगों के जो विचार हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उनके दिल में बसे हैं, पूरे देशवासियों के दिल में, उसी तरह उनको सम्मान मिले, उसके लिए मैंने वहाँ पर निर्देश किया है।